लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और अभियान का उद्घाटन किया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के स्लोगन के साथ लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में चलेगा। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एस बसवराजू, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह और निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वच्छता दीदी, सफाई मित्र, छात्र छात्राएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। सफाई मित्रों को पीपीई किट्स का वितरण किया गया और इस अभियान में भाग लेने वाले एनजीओ को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस विशेष अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद से स्वच्छता के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत कई लोगों के लिए शौचालय बनाए गए, जिससे माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक गरीब व्यक्ति ही गरीबों की तकलीफें समझ सकता है और पीएम मोदी ने गरीबों के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में अपनाने की अपील की, ताकि स्वच्छता एक आदत बन सके। इस पखवाड़े के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, ये आज स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ पूरे देश में आज विश्वकर्मा जयंती है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनको दीर्घायु बनाए और स्वस्थ रहें और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत किए और उसके बाद से सबको स्वच्छता का महत्व मतलब मालूम हुआ और आज सबकी आदत में ये स्वच्छता आ गई है। और आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरा एक पखवाड़ा ये स्वच्छता का चलेगा और स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे और हर जगह साफ सफाई, घरों में, सार्वजनिक स्थल में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में, सब जगह, अस्पताल में, स्कूल में सब सफाई होगी और मैराथन दौड़ सब भी इसमें है। कई तरह स्टेप बाय स्टेप इस कार्यक्रम होंगे पूरे 15 दिन तक और जागरूकता लाने का प्रयास होगा, अवेयरनेस लोगों में कि वो सब स्वच्छता को अपनी आदत में डालें और हमेशा स्वच्छ रखें। इससे एक तो बहुत फायदा है, बीमारी वगैरह भी नहीं फैलती है, ये सब लाभ है इससे। सर, आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा अंधविश्वास की वजह से तो क्या विशेष कोई अभियान चलाने की जरूरत? ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है, इसको हटाने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए अभियान चला भी रही है, आगे चलाएगी भी, लेकिन मैं सभी लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इसको अभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों में जादू टोना जैसे अंधविश्वास को हटाने के लिए हम लोग काम करें। सर, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो अब जीरो पीएम आवास के तहत भी आज 5.5 लाख से अधिक लोगों को राशि स्वीकृत हो रही है। मोर आवास मोर अधिकार के तहत आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त जारी करेंगे और आज ऐसे हितग्राहियों का हम लोग पैर धोकर उनका सम्मान भी करेंगे
और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से धन्यवाद भी देते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार में जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए उनको उनका हक मिल रहा है। अभी पहले किस्त में भारत सरकार 8,46,931 आवास स्वीकृत किया है और इसके बाद और भी बनेगा और जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की हम लोग बात किए हैं उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। आज विश्वकर्मा जयंती भी है तो हम श्रमिकों का भी सम्मान करेंगे और उनके भी खातों में पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कवर्धा में जो घर हमने देखा कि किस तरीके से आग लगा दिया गया घर और कांग्रेस ने उस पूरे मामले पर एक जांच कमेटी भी बनाती है, सरकार उसमें अलर्ट है और पुलिस भी अलर्ट है और दोषीदार लोगों के ऊपर वहां पर कार्रवाई होगी, उसमें गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है और कोई भी दोषीदार हैं वो बक्से नहीं जाएंगे। अब विपक्ष में हैं तो जांच समिति बनाना उनका धर्म है। सर दीपक बैच सर पिछले 4 दिनों पे 9 से ज्यादा अभी उनका काम है क्या करते हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.